like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we're discussing about English topic. TS State 2022 की हमारी प्रिपरेशन जारी है. हम 2022 की जो डेट अभी जो होने वाली है, एप्लीकेशन नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है. एप्लीकेशन की यहाँ पर जो डेट्स है वो 12th दिया गया है ये महीने, इस महीने. तो अब जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा. सारी डिटेल्स आपको लिंक अप्लाई करने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन सिलेबस सभी आपको वहाँ पर अपलोडेड मिल जाएंगे. नेक्स्ट, आज के सेशन में आज हम टीएस टेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीएस टेट में पेपर वन एंड पेपर टू की जो इंग्लिश की ग्रामर है, स्टेप बाय स्टेप हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं. तो जिन्होंने हमारे सेशन को नहीं देखा है वो जाके प्रिपरेशन हमारी उन जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप ज़रूर देख लीजिएगा. यहाँ पर टॉपिक्स हमारे मैथ्स के रिलेटेड क्लासेस हो चुके हैं, इंग्लिश के हो चुके हैं, साइंस के हमने कर दिए हैं, हिंदी के हैं एंड यहाँ पर इंग्लिश की अभी हमारे क्लासेस भी चल रहे हैं. स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, यानी कि आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन पेपर वन पेपर टू की यहाँ पर दिया जा रही है. जो हमारे सेशन में न्यू है, लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन करना मत भूलिएगा. एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर. इन सभी के लिंक आपको प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश. इंग्लिश में जो है आर्टिकल, आर्टिकल का आज हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिस्कस किया है, जो जिन्होंने भी वो नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमने सेशंस बनाए, टेंसेस पे हमने सेशंस बनाए. टेंसेस को हमने पार्ट्स ऑफ में क्लैरिफाई किया है, एक एक सेशन में हमने यहाँ पर डीपली डिस्कस किया गया है. तो ज़रूर देखिएगा इन क्लासेस को इंग्लिश में. अब यहाँ पर हमारे जो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है. फर्स्ट बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है. सेकेंड बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है 10th इस महीने. 10th को स्टार्ट होने वाला है. जो भी इन जिन्होंने भी अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ले ली, जल्द से जल्द क्रैश कोर्स ले लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके. और डीपली हम यहाँ पर मॉक टेस्ट के साथ, एमसीक्यू के साथ, प्रीवियस टेस्ट पेपर्स के साथ एंड आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइम पर आप यहाँ पर देख सकते हो. इस क्रैश कोर्स की एक अलग सी टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर ज्वाइन होकर सभी डिटेल्स जान सकते हो, मांग सकते हो जो डिटेल्स आपको चाहिए. चलिए फिर सेशन को बिना लेट किए स्टार्ट कर देते हैं. आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल. आर्टिकल के बारे में आज हम जानेंगे. आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल अब हम देखने वाले हैं. An article is a word which used to modify a noun which is person, place, object or area. Noun का चीज़ों ने भी parts of speech नहीं देखा, एक बार session देख लीजिए, आपके पूरी यहाँ पर जो भी doubts है सभी clarify हो जाएंगे. Noun जो particular person हो या place हो या object हो, जो area है, इन सभी को जो modified करके मॉडिफाई करता है उसी को हम आर्टिकल कहते हैं. नाउन के पहले ये लगता है, नाउन के बिफोर ये इसे लगाया जाता है, इसे आर्टिकल कहते हैं. नाउन के पहले जो लगाया जाता है, जो यूज़ होता है उसे हम आर्टिकल कहते हैं. आर्टिकल एक प्रकार से एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है. ये नाउन से पहले लगता है. ये सब इम्पोर्टेंट टिप्स है आपके लिए. इन इंग्लिश देयर आर थ्री आर्टिकल्स. इंग्लिश में यहाँ पर थ्री आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये एंड द. आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. नाउन के बिफोर ये तीनों लगाए जाते हैं. जब नाउन के बिफोर ये तीनों आते हैं उन्हें ही हम यहाँ पर आर्टिकल कहते हैं.
तो आर्टिकल्स क्या है, ये कब लगाए जाते हैं, व्हेन इट इज यूज, ये सभी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इंग्लिश हैज़ टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इंग्लिश में दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, एक तो डेफिनेटिव आर्टिकल एंड दूसरा है इनडेफिनेटिव आर्टिकल। डेफिनेटिव आर्टिकल क्या है, अब इनडेफिनेटिव आर्टिकल क्या है ये अब हम जानेंगे। डेफिनेटिव आर्टिकल, द डेफिनेटिव आर्टिकल, द डेफिनेटिव आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। ये डेफिनेटिव आर्टिकल वो है जो वर्ड के यहाँ पर जो दा है, यहाँ पर जो दा लिखा गया है, इट लिमिट द मीनिंग ऑफ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। जब भी हम एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, किसी वस्तु के बारे में उसके नाम लेकर या उसको बताकर या उसे डायरेक्शन दिखाकर जब उसे बताया जाता है, एक थिंग को या एक इंसान को या एक ह्यूमन बीइंग को या एनिमल्स को या किसी भी चीज़ को हम जो पर्टिकुलर वर्ड के साथ मेंशन करके उन्हें बताते हैं, जब हम डेफिनेटिव आर्टिकल यूज़ करते हैं, डेफिनेटिव आर्टिकल द होता है, ये द को यूज़ करते हैं। द हिमालयस, हिमालयस, हिमालय एक नाउन है और उसके आगे पर्टिकुलर हिमालयस की बात कर रहे हैं हम, तो द लगाया गया है। नेक्स्ट द राजू, राजू को हम यहाँ पर सिर्फ राजू को बोल रहे हैं पूरी क्लास में, तो द राजू। इस प्रकार हम जो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है उसी को हम यहाँ पर डेफिनेटिव आर्टिकल कहते हैं। एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो नाउन है, इसके आगे द लगा गया। यहाँ पर ग्रेट हमें किसी कह रहे हैं, यहाँ पर हम चाइना को कह रहे हैं ना कि टोटल इंडिया को, पर्टिकुलर एक जो चाइना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी द हैमर, हम यहाँ पर हैमर एक नाउन है, यहाँ पर हम सिर्फ, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ है लेकिन उनमें से हम सिर्फ हैमर को ही मांग रहे हैं, तो द हैमर यहाँ पर लगाया गया। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी द रेड हैमर, द ब्लू हैमर इज़ टू बी स्मॉल। यहाँ पर पूछ बताया जा रहा है कि बहुत सारे कलर्स के हैमर्स हैं यहाँ पर, देखिए ये बहुत सारे कलर्स के हैमर्स अगर हम समझेंगे तो इनमें से हमें पर्टिकुलरली रेड हैमर देने को कहा गया है। ब्लू हैमर के बारे में उन्होंने बता रहे हैं ये बहुत छोटा हैमर है, इसलिए रेड हैमर दीजिए, ये थोड़ा बड़ा हैमर है। अब हैमर नाउन है, पर्टिकुलर वर्ड रेड के साथ हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ताला लगाएगा। नेक्स्ट प्लीज़ गिव मी द नेल, नील हैमर में से हम यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक किले को मांग रहे हैं, तो यहाँ पर जो किला है ये नाउन है, किले को हम नाम से पुकारते हैं जो कि किले के नाम से जानते हैं, तो उसे हम उसके आगे दा लगा दिएगा। नेक्स्ट देखते हैं द इनडेफिनेटिव आर्टिकल क्या है। द इनडेफिनेट आर्टिकल टेक टू फॉर्म्स, यहाँ पर दोनों फॉर्म्स होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के, एक तो ये होता है एक तो एन होता है। अब देखिए ये एन कब यूज़ करते हैं, इट्स द वर्ड ए व्हेन इट प्रोसीड ए वर्ड दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसे हम उसके आगे हम ए लगाते हैं। इट्स द वर्ड एन व्हेन इट प्रोसीड द वर्ड बिगिन विद ओवेल, जब कोई वर्ड आपका वोवेल से स्टार्ट होता है तब उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगा जाता है। एग्जाम्पल में और डीपली समझेंगे हम, ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। प्लीज़ हैंड मी ए बुक, एनी बुक विल डू। प्लीज़ हैंड मी एन ऑटोबायोग्राफी, एनी ऑटोबायोग्राफी विल डू। देखिए हम बिफोर यहाँ पर समझाने से पहले ओवेल को बताते हैं, जो कि जिनको भी ओवल की थोड़ी बहुत भी ज्ञान नहीं है उन्हें भी अच्छे से समझ जाए। देखिए अल्फाबेट्स ए टू जेड होते हैं, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स ए टू जेड तक होते हैं, इनमें से जो ए
आई ओ यू, ये सारे जो होते हैं इनको हम ओवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेज कहते हैं। एस में से जेड के जो लेटर्स हैं उनमें से इन लेटर्स को जो सिलेक्टेड है इनको हम ओवेज कहते हैं। जो इनके अलावा और भी लेटर्स हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ओवेल एंड कॉन्सोनेंट को याद रख लेनी चाहिए। ओवेल जो ओवेल के यहाँ पर ए आई ओ यू, इन्हें ओवेल करते हैं। इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं। इनके अलावा कोई नाम से स्टार्ट होगा तो हम ए लगाते हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बुक है जो कि नाउन है, लेकिन बुक स्टार्ट होता है बी से, जो कि इन वर्ड्स में नहीं है, तब हम इसे यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी एक नाउन है। ऑटोबायोग्राफी में ए से स्टार्ट हो रहा है जो कि ओवर में है, तब हम क्या लगा रहे हैं? एंड लगा रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन इस पर ज़रूर बनेगा। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो नेक्स्ट आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी। आप यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, हिट बेल आइकॉन एंड लाइक। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी एंड आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। एंड नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। अंडर कीप स्माइल। बाय बाय।